जी हाँ, आज हमने जो सदर अली वकार की कुर्सी है उस पर शहबाज साहब को तशरीफ करने का मौका दिया है। तशरीफ करने का सोचें जरा, तशरीफ रखने का सोचें। अच्छा, अगर आप कभी गौर करें ना, दिमाग बहुत खराब हुआ फैसल भाई, कभी आप गौर करें ना, हाँ, तशरीफ पे गौर करें तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये तशरीफ है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ हुआ, मैं माजर चाहता हूँ आज के लिए। इंशाल्लाह जब तक मैं ये पूरी चीज सॉर्ट आउट नहीं कर दूंगा तब तक मैं आज सुकून से नहीं बैठने वाला। खामा खां जो है वो लोग इस वक्त बकवास कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और जो कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको अकल दे कि पूरी बात सुन के किसी की बात में आए, और जिसने ये बात शुरू की है उनसे अब जरा ऑफिशियली बात होगी। शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अलाम फातिमा है, हरम फातिमा द नॉलेज स्कूल से, अब्दुल मोइज हैं जामियतुल अनवर से, और नबिया हैं अल्लाह की कसम दस दियो मैनू नूर मदरसतुल नूरुल कुरान से। ठीक है जी, सो सबसे पहले कौन है? हरम है हमारे साथ जी, सबसे पहले हरम है माशाल्लाह। ये लाहौर से आई है ना? ये पंजाब से आई है। पंजाब से आई है, उकाड़ा से। उकाड़ा से, क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। घर की चार दीवारी में तारीकी फैली है, एक नौजवान हाथ में बंदूक उठाए खामोशी की जंजीरों को तोड़ता है कि माँ आज इस अर्ज़ पाक ने लहू का खिराज मांगा है, दुआ करना मक्तल को सुरखरू करके आऊं कि बहना मेरी वापसी की उम्मीद मत रखना। इन अल्फाज के साथ वो नौजवान मैदान जंग की जानिब बढ़ता है, नाराए तकबीर बुलंद करते हुए बातिल पर हक की यलगार करता है, और दुश्मन का नाम सफाए हस्ती से मिटाने के लिए मंजिल की जानिब कदम बढ़ाता है कि उसके सामने से आने वाली गोलियों ने दुश्मन के सिपाहियों को खत्म करता चला जाता है कि उसके जिस्म से टपकता खून का एक एक कतरा पुकारता है कि शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा। सदर अली वकार हमारे दिफा के लिए आलमे वजूद के गोशे गोशे को शहदा ने अपने खून से सिराब किया है, इन शहदा की कुर्बानियां हमारे लिए मशाले राह है। आज हम किसी आमर की आमद पर ढोल की थाप पर नाचते हैं और इनके टिमटिमाते हुए बिलों उनके कदमों की छाप को अपने सिरों का ताज मानते हैं। सदर अली वकार अब जरूरत इस अम की है कि वतन अजीज के बका के लिए अपने लहू का नजराना पेश किया जाए ताकि ये जमीन मेजर अजीज भट्टी, सिपाही मकबूल हुसैन और ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी जैसे लाल उगलना शुरू कर दे ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये कह सके कि कसम है मुझे मेरे ताजा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगेबा, वतन अपना काबा, वतन अपना आईमा। अगर कोई समझे बहक जाएंगे हम तो गरज कर ये बात समझाएंगे हम कि जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। क्या बात है, समातों का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालांकि डिस्टरबेंस भी है सेट पे यार, कोई उसको पकड़ ले यार, कोई उसको बाहर ले जाए 5 मिनट के लिए। बच्ची वहां पे तकरीर कर रही है यार, वो बेचारा पीछे शोर मचाया जा रहा है, उसको भूख भूख लगी हुई है, उसका रोजा थोड़ी है, उसको ले जाओ भाई। हो सकता है उसके अफ्तार पहले हो, यार वो इतना डिस्टरबेंस था यार, वो इतनी अच्छी वो बच्ची तकरीर करी, तो अल्लाह का शुक्र है डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई और होता तो रुक जाता यार। अब्दुल मोइज साहब हैं जामियतुल अनवर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह आपको कामयाब करे जी। नजरियाती बुनियादें, कसीर मादनी वसाइल, नौजवान नस्ल,
मेहनत और लगन किसी भी मुल्क की पहचान की बका के जामिन होते हैं और बिफज़ल्लाह हमारे पाकिस्तान की पहचान इन तमाम नेमतों से माला माल है। फजाओं को मुअत्तर करती मोतियों की महक हो, खुशबूए मुश्के खुतन हो, रिदा की तरह और रखे सोसनो यास्मी या लालो नस्तरन हो, चहार सू आजादाना कह कहे बिखेरती हसी मुस्कुराती जिंदगी हो, ला इलाह की नजरियाती बुनियादें, 35,000 मदारिस, सैकड़ों खानकाहें, लातादाद दीनी जमातें, इल्मो शऊर फैलाकर हर साल सबसे ज्यादा हुफ्फाज़ उलमा पैदा करके ये बावर करा रही है कि वतन का चेहरा गुलाब होगा, कि फजाओ बहरो बर के मुहाफिज कभी दुश्मन से बरसरे पैकार होकर कभी अपने बलोच हमवतनों की खिदमत करते जान की बाजी हारते हैं, कि वतन का चेहरा गुलाब होगा, कि किस्सा मुख्तसर सदर अली वकार हजार पर गिरे लाख अंधिया उठे सबसे ज्यादा काबिले काश रकबे की बात हो या गवादर की अहमियत हो, समंदर जैसी नेमत हो या आपी जकार की कसरत का जिक्र हो, ला लहाते सरसब्ज खेत हो या सयाहों की दिल लुभाती सर ब फलक चोटिया हो, खेल के मैदान में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम हो या क्रिकेट के मैदान में बादशाही करता बाबर आजम हो, नेमतों की यह फरावानी और जज्बों की सच्चाई बतलाती है कि वतन परस्तों से पूछ लेना निगाह इश्को वफा है कैसी, वतन फरोशों को रंग देंगे, वतन सदा महताब होगा, हजार कातिल हजार दुश्मन लहू बहाए तो क्या बुरा है, शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा, शफक की सुर्खी बता रही वतन का चेहरा गुलाब। वाह क्या बात है यार, क्या जोशीला अंदाज है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने इतने से हैं, जान कितनी है इनमें। जी नबिया बेटा आपको बिल्कुल इजाजत है, मदरसतुल नूरुल कुरान से आपका ताल्लुक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी उभरती उमंगे डूबता सूरज उफक पर मंडलाते सूरत की सुर्ख शुआएं जिंदा दिलाने लाहौर का शहर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं से फजा गूंज उठती है और कौमी परचम इज्जत और एहतराम से उतार दिया जाता है, लेकिन अचानक उन नारों की गूंज एक जोरदार धमाके में तब्दील हो जाती है और फिर मैं देखती हूँ चार सू फैले इंसानी आजा दिल खराश चीखे बैन करते लवाहिकीन, लेकिन उन चीखों के साथ डूबने वाला सूरज जब अगली सुक्तलू होता है तो दुनिया देखती है वही आवाम का ठाटे मारता समंदर है, वही अल्लाह अकबर की दिल दहला देने वाली सदाएं हैं, सलामी देने वाले सलामी देते हैं, यक जबान होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो मैं बेअख्तियार पुकार उठती हूँ, शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा। जनाबे सद जिंदा कौमों का ये तरीका और शार होता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इसके जर्रों को सितारे समझते हैं और इसकी सरहदों पर बिलाल हसन बाबरी यासर अब्बास बनकर दुश्मनों के मुंह पे तमाचा रसीद करते हैं, तो हाँ वतन का चेहरा गुलाब होगा। महंगाई के इस दौर में चार गज के मकान से निकल कर नसीम हमीद बनकर या तंदूर पर रोटियां लगाने वाला अली हसन नजर आता है, तो हाँ वतन का चेहरा गुलाब होगा। 500 से ज्यादा एम्बुलेंसें फराहम करते या 24 साल शफीक इकबाल जो गूगल के 1300 मुलाजमीन में बतौर डेटा इंजीनियर काम करने वाली वाहिद पाकिस्तानी है, पहली 3-star खातून जनरल गार्ड जौहर हो या रेस्क्यू यूनिट 1122 के पहली खातून फायर फाइटर शाजिया परवीन हो, समाज खदमात पर आलमी सतह पर वतन का चेहरा गुलाब करने वाली 18 साल लाइना खान हो या 20 साल रमना सही जो खवातीन के लिए आवाज उठाती है, तो हाँ वतन का चेहरा गुलाब होगा। जनाबे वाला लोग चाहे कुछ
कुछ भी कहें, मगर हम कभी एतजाज हसन और कभी सिपाही मकबूल हुसैन जो कटी जबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, अपने वतन का चेहरा गुलाब करते रहेंगे। ए वतन, हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं, तेरे परचम तेरी अजमत की कसम खाते हैं, तेरे परचम को कभी खम नहीं होने देंगे, तेरी इज्जत को कभी कम नहीं होने देंगे। शुक्रिया। आज का फैसला जरा मुश्किल इसलिए होगा कि एक तो प्यारे प्यारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे, आप आगे आ जाएं तीनों। हाँ, शाबाश जी। शहबाज, क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह, जिस तरह इस मायूसी वाले दौर में बच्चों ने उम्मीद जगाई है, जिस तरह इन्होंने बातें की हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ए दोस्त, करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। क्या और साथ साथ बोल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 2021 में जब हमने विन किया, उसके बाद लगातार जिस तरह हमें वाकई स्टार वाली फीलिंग दिलाई है उन्होंने, चाहे फिर वो यहाँ पर जजमेंट पैनल की बात हो, होस्ट की बात हो, या पीछे काम करने वाले दानियाल भाई, हशाम भाई की बात हो, हम हैदराबाद गए, कराची में ऑडिशंस लिए, ओवरऑल पाकिस्तान से दीगर जो सूबे हैं वहाँ से वीडियोज़ मौसूल हुई, और जिस तरह ऑडिशन लिया गया तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मुख्तलिफ लहजे वाले लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से जीते हुए या फाइनलिस्ट आज किसी चैनल पर होस्ट कर रहे हैं, एंकर पर्सन बनकर, होस्ट बनकर, और इसी तरह कोई ना कोई सेगमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ के विनर्स या यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाले हमें आगे भी परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। इंशाल्लाह ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, और कल ये भी हमें मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर नजर आएंगे। माशाल्लाह, तीनों बहुत खूबसूरत बोले। माशाल्लाह, कहा कि सब जगह नजर आते हैं, जैसे होस्ट करते हुए नजर आते हैं या सेगमेंट करते हुए, ये नहीं बता रहे कि अदालत में भी नजर आते हैं। खुद मौसू वकील हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अब ये अपनी आवाज लेकर अदालत में खड़े हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेशनली तकरीर आपको कहाँ कहाँ फायदा देती है, अब इनके प्रोफेशन में इनको फायदा दे रही है, और खास करके आपको इस बात पे दाद और सताइश है कि जो आपने सिंध भर के बच्चों को सुना और इस मुकाबले के लिए ऑडिशन को मुकम्मल किया। जी, बच्चों की तरफ आ जाते हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो आज का मुकाबला अच्छा मुकाबला था। आप तीनों मुकर्रर जो है वो अपनी सिन और अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा बोल रहे थे, आप तीनों ही। और पहली मुकर्ररा जब आई तो बेटा एक लफ्ज़ है खामोशी और एक लफ्ज़ है खामशी, तो इसके दरमियान में आपने खामशी कर दिया, उसको ये उसको वाजे होना चाहिए खामशी है या खामोशी है। फिर आपने कहा मक्तल को सुरखरू करना, बेटा मक्तल कभी सुरखरू नहीं होता, मक्तल में जाने वाला सुरखरू होता है, वो जिस सजदे से जाता है, जिस अंदाज से जाता है, जिस जज्बे से जाता है, वो होता है सुरखरू। फिर आपने कहा कदमों की छाप, कदमों की छाप नहीं होगी, कदमों की चाप होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने कहा सिरों, सर है ये, सिर नहीं है। फिर उसके बाद आपने कहा लाल उगलना शुरू कर दिए, वो अगर ज़्यादा अच्छा होता कि आप कहते थे लाल पैदा करना शुरू कर दिए। दूसरे मुकर्रर आप आए तो आपने आकर कहा पहचान की बका के जामिन होते हैं, ये जुमला मैं समझने से कासिर था, पहचान की बका के जामिन होते हैं, यानी तीन मुख्तलिफ बातें हैं। और फिर आपने कहा मुश्क उतर, शायद आप इतर कहना चाह रहे थे, उतर, उतर क्या है? मुश्क उतर कहा था आपने, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, एक आपने कहा हंसी मुस्कुराती, हस्ती मुस्कुराती होना चाहिए वो। तीसरे मुकर्रर जो है वो आपने आकर कहा अल्लाह अकबर, दिल दहला देने वाली सदाएं। अच्छा बेटा, दिल दहला देंगी दुश्मन की, जो खुदा का दुश्मन है उसका दिल दहलाएंगी, हमारा दिल तो सरशार हो जाएगा अल्लाह अकबर की सदा से, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप तीनों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, हमने बहुत कम मार्जिन से, मैंने अपनी ज़ाती तौर पे अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत कम मार्जिन से जो है वो नंबर आगे पीछे दिए हैं, लेकिन आप तीनों बहुत अच्छे थे और बहुत सारे अपने से बड़े बच्चों के मुकाबले में आप बहुत अच्छा बोले, बहुत बेहतर और अच्छे मार्क्स ओवरऑल तीनों बच्चों के जो पहले से आए। लेकिन बहरहाल मुकाबला होता है और मुकाबले में एक ने आगे और एक ने रह जाना है, दो ने बाकी रह जाना है, और आज का हमारा फर्स्ट राउंड जो है जी, उसका आखिरी मुकाबला है। जी जी, तो आगाज भी बच्चों से हुआ था जी, आज पहले राउंड का इख्तिताम भी बच्चों पे हो रहा है। बहरहाल
बहुत जरूरी होता है, आप अभी सीखने के मरहले में हैं, बहुत आपका तो वक्त बाकी है, तो नेचुरल रहें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तकरीर करते हुए आपको जो सिखा रहे हैं, मैं ये उनके लिए क्रिटिक ज़्यादा दे रहा हूँ कि वो आपको नेचुरल रखें। तकरीर में और टेबलों में यही फ़र्क होता है कि वो आप जब वो क्या अलामा इकबाल की नज़में हम पढ़ा करते थे तो बुलबुल जो है वो बन के टहनियों पर भी बैठ जाते थे, हाँ। लेकिन तकरीर करते हुए हमें यूं 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 नहीं करना ना, बाकी आपका अंदाज उन बच्चों में नहीं है, अलबत्ता ये एक अच्छी चीज़ है और सिखाने वालों को भी लिए भी है कि वो इस चीज़ को वो ना देखें। बल्कि इसको ऐसे कह दिया जाए कि अगर आप वो बच्चों वाला अंदाज अपनाएंगे जैसे पोएम पढ़ी जाती है, तो आपको कंसिडर भी बच्चा किया जाएगा, आप बड़ों के मुकाबले में आ रहे हैं तो आपने उसी अंदाज से आना जैसे तकरीर का अंदाज है। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के बाद अगले मरहले के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो हैं हमारे पास अब्दुल मुईज, जो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और बाकी दो जो हैं उनके लिए दुआएं और प्यार है, हरम फातिमा और नबीहा दोनों के लिए। बकौल फैसल भाई मुईज आगे जा रहे हैं, मुईज आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक, बच्चियों ने भी इतना अच्छा बात की थी। जी हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन पॉइंट में खास एक एक दो दो का मार्जिन। बिल्कुल ऐसे हुआ ना, पॉइंट बहुत कम मार्जिन से, बट गुड ट्राई। आई मस्ट से यू ऑल आर विनर्स फॉर मी, सीरियसली आप तीनों माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बोले हैं तीनों, और बड़ों के मुकाबले याद आ रहे हैं, कोई भूल रहा है, कोई अटक रहा है, कोई तकरीर मौजू पे नहीं लग रहा है, कोई जबरदस्त, लेकिन आज वो नहीं था, आज तीनों बच्चों का जो है वो तकरीर भी जी, मौजू पे बोलना भी और तलफ्फुज़ की भी, आगा साहब के लिए आज मार्जिन बड़ा कम था, बहुत कम था, बहुत अच्छी मेहनत करके आए थे, और इसमें यकीनी तौर पर आपकी साथ साथ उनकी भी मेहनत है जो आपको तैयार करवा रहे हैं और तलफ्फुज़ आपको बता रहे हैं, आपके वालिदैन असातिज़ा जो भी हैं वो सब सफाइश के लायक है। हाँ, लेकिन यह है कि आप में से एक बच्चा आगे अगले मरहले में जा रहा है, लेकिन जैसा अभी बताया हमारे विनर ने, लास्ट विनर ने, कि आप दोनों जो है वो उस समत में जा रहे हैं जहां पर आपकी पहचान हो रही है, आप स्टार का हिस्सा बने हैं, आप भी स्टार हैं, और आगे फिर मौका मिलेगा आप दोनों। एक चीज मैं सिर्फ वाजे करूँ कि मुझे किसी ने कहा कि बच्चों का भी मुकाबला आपने बड़ों के साथ करवा रहे हैं, मैंने कहा क्वार्टर फाइनल फिर बच्चों का हो जाएगा, तो सेमीज में जीती, फिर उसने सेमी में बड़ों को हराया और फिर वो फाइनल में जाके पोजीशन होल्डर भी एक बन गई, शायद थर्ड पोजीशन थी, तो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। हाँ, बच्चे बड़े तगड़े बच्चे हैं। ठीक है, आप रुक रहे हैं या जा रहे हैं आज? नहीं, हम जाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू आपका थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं छोटी सी ब्रेक पे जाता हूँ, वापस आते हैं और शुरू करते हैं आलिम के बोल। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।